नमस्कार दोस्तों, आज वर्ण विचार का पार्ट नंबर 2 है वो लेकर हाजिर हूँ। शुरू करते हैं वर्ण विचार। जैसे कि पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने कुछ पढ़ लिया था, उसमें एक प्रश्न ये बनता है कि हिंदी में अगर मूल वर्णों की बात करें, अगर ऐसा पूछ लें कि हिंदी में मूल वर्ण कितने हैं, तब तो उत्तर हमें 44 करने हैं। और कुल वर्णों की बात करें तो वहाँ 52 उत्तर होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क वर्ग और विसर्ग और ए आ, इनका उच्चारण स्थान कंठ है या तालु, ये गलती से लिख दिया गया है, तालु नहीं होता है, सिर्फ कंठ है। इनका उच्चारण स्थान कंठ है और इन ध्वनियों को कंठ्य कहा जाता है। इनका एक सूत्र आता है अकुहा, अकुहा विसर्ग, अकुहा विसर्ग निया नाम कंठ है। अर्थात ए आ, क वर्ग, ह और विसर्ग, ये सारे है वो कंठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है च वर्ग, य, ष और ई, ये सारे तालु से बोले जाते हैं और इन्हें तालव्य ध्वनि कहा जाता है। इनका सूत्र है इचु यशा नाम तालु, तो इसके अंदर ई आ जाएगा और बड़ा ई आ जाएगा, च वर्ग आ जाएगा, य आ जाएगा और श आ जाएगा, ये तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इनको तालव्य ध्वनियां कहा जाता है। फिर अगला है ट वर्ग, ट वर्ग में ट वर्ग आ जाएगा, री आ जाएगा, र आ जाएगा और श आ जाएगा, और इनका उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है और इन्हें मूर्धन्य ध्वनि कहा जाता है। और इनके लिए एक सूत्र आता है ऋटु रसाणाम मूर्धा, ऋटु रसाणाम मूर्धा, ऋ, ट वर्ग, र, ष। फिर आगे है त वर्ग, त वर्ग में लरी, ल और स, ये सारे दंत से बोले जाते हैं और इन्हें दंतीय ध्वनियां कहा जाता है। इनके लिए सूत्र है लृतु लसा नाम दंता, इन्हें दंतीय ध्वनियां कहा जाता है। और इसके अंदर त वर्ग आता है, ल आता है और स आता है। आगे है प वर्ग, प वर्ग आप सबको पता है कि प वर्ग हमेशा ओष्ठ से बोले जाते हैं और उनके साथ साथ उ और ऊ, ये भी ओष्ठ से ही बोले जाते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ्य ध्वनि कहा जाता है। और नेक्स्ट है अनुस्वार, अंगे, इं, अणिय, न और म, ये पंचम स्वर बोल रहे हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है और ये प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण है वो नासिकीय वर्ण कहलाते हैं, ये नाक से बोले जाते हैं। जब ये बोले जाते हैं तो हवा है वो नाक से बाहर निकलती है। नेक्स्ट है ए और ऐ, ये कंठ तालु से बोले जाते हैं और इनका उच्चारण स्थान को कंठ तालव्य कहा जाता है। अब इनको कंठ तालु से क्यों बोला जाता है, इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ए और ऐ मिलकर के बने हैं अ और ई से। ए का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु, इसलिए इन दोनों से मिलकर के बने हैं, इसलिए इस स्वर को कंठ तालु है वो नाम दिया गया है। ए और ऐ को कंठ तालु
इनका उच्चारण स्थान है और इनको कंठ तालव्य ध्वनियाँ है वो कहा जाता है। ओ और औ ये कंठ ओष्ठ से बोली जाती है और इन्हें कंठोष्ठीय ध्वनियाँ कहा जाता है। ओ और औ मिलकर के बने अ और उ, अ और उ से मिलकर के बनते हैं तो ए हो गया कंठ और उ हो गया आपके ओष्ठ, इसलिए इनको कंठोष्ठ ध्वनियाँ कहा जाता है। व, व जब व का हम उच्चारण करेंगे तो नीचे वाला ओष्ठ है वो ऊपर वाले दांतों को टच करेगा, इसलिए इनको दांत भी दांतों से भी टच होता है और ओष्ठ से भी टच होता है, इसलिए इसको इसका उच्चारण स्थान है वो दंत और ओष्ठ है और इसे दंतोष्ठी व्यंजन है वो कहा जाता है। ह स्वर यंत्र है, अलि जीवा। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों में के आठ भाग है, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के आठ भाग है, तो इसमें पहला है स्पर्शी, पहला स्पर्शी है, इसमें क वर्ग पंचम वर्ण को छोड़ करके, ट वर्ग पंचम वर्ण को छोड़ करके, त वर्ग पंचम वर्ण को छोड़ करके, प वर्ग पंचम वर्ण को छोड़ करके, ये सारे स्पर्शी के अंतर्गत वर्ण वो आते हैं। संघर्षी, संघर्षी में श श स और ह ख ज फ इनको जब बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे हवा से मुंह से गर्म हवा है वो बाहर निकल रही हो, इसलिए इनको संघर्षी कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श भी होते हैं और जब मुंह से बाहर निकलते हैं तो संघर्ष करते हुए भी बाहर निकलते हैं, तो वो च वर्ग है, च छ ज झ। नासिकीय, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिकीय व्यंजन कहलाता है। अंग्य, इय इणिय न और म। पार्श्विक, पार्श्विक का मतलब होता है पीछे से या साइड से, यानी जब हम इस वर्ण को बोलते हैं तो हवा अपने जीभ के साइड से होकर के मुख से बाहर निकलती है, जैसे बोल के देखें ल ल तो जीभ है वो ऊपर टच होती है लेकिन हवा है वो जीभ के साइड से बाहर निकलती है, इसलिए इसको ल को पार्श्विक कहा जाता है। र, र को प्रगम्पित कहा जाता है या इसको हम लुंठित भी कहते हैं, लुंठित भी कहते हैं। जब र का उच्चारण करते हैं तो जीभ है वो एकदम गोलाकार में परिवर्तित हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे बेलनाकार के आकार में हो गई है, इसलिए इसको लुंठित कहा जाता है, र को लुंठित। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त ड ड और ढ, इनको बोलने पर ऐसा लगता है जैसे ये मुख विवर से जीभ है उसको बाहर फेंक रही है इनको, इसलिए इनको ड और ढ को उत्क्षिप्त वो बोला जाता है। संघर्षहीन, य और व ये दो ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें अर्धस्वर कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण है वो स्वर से, जब इनका उच्चारण करते हैं तो स्वर से कम समय लेते हैं तथा व्यंजनों से अधिक है वो समय लेते हैं। य और व को अर्धस्वर कहते हैं, यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है वे संघर्षहीन ध्वनियाँ कहलाती है, और इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न है वो करना पड़ता है, अर्थात ये स्वर में जितना समय व्यतीत होता है लगभग उतना ही य और व के अंदर समय लगता है, इसलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है। आगे है स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है, घोष व अघोष। घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज,
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज अर्थात स्वर तंत्र में कंपन होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। और उनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग वर्ण य, र, ल, व, और उसके साथ साथ ह भी आता है, और सभी स्वर भी घोष वर्णों के अंतर्गत सम्मिलित हैं और इनकी संख्या होती है कुल 30। ए घोष, घोष के अंदर सूत्र लगेगा 345। ए घोष, इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु जो कंपन नहीं होता है अतः गूंज न होने से ये ए घोष वर्ण कहलाते हैं। यानी घोष के मुकाबले इसमें जब इसका उच्चारण करते हैं तो इतनी है वो, इन वर्णों की गूंज नहीं होती है मुख विवर के अंदर। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा आता है, और स, 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 ये तीनों स भी इसके अंदर सम्मिलित हैं और इनकी कुल संख्या 13 है। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद, अल्पप्राण व महाप्राण। अल्पप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु का कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में जो श्वास है, वायु है, कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती हो तो उसे अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, अर्थात इसके अंतर्गत 135 नंबर सूत्र है वो लगेगा। अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे और सभी स्वर आ जाएंगे। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आ जाएगा और श, श, स, ह आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।